आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी, कमाल की रेसिपियां आपके दहलीज पे पहुंच रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शरीफ में अथेंटिक रेसिपियां, शॉर्ट बनने वाली रेसिपियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बनाने वाले बने, आखिरी अशरा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की रेसिपियां भी हम शुरू करने वाले हैं। टेंशन बिल्कुल ना लिया करें। ईद पे किस तरीके से आप रेसिपियां बना सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। पोटैटो डोनट्स किस तरीके से तैयार कर सकते हैं आज की रेसिपी में मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। तवज्जो से देखें। पोटैटो डोनट्स तैयार करने के लिए हमने आधा किलो आलू लिए, बॉईल कर लिया सिंपल, और उसको इस तरीके से मैश कर लिया। ठीक हो गया आधा किलो। टाइम की बचत के लिए हमने शॉर्ट तरीके से आपको बताया। एक बड़े साइज का प्याज लिया, उसको चॉप किया, पानी रिमूव कर दिया, अच्छे तरीके से निचोड़ दिया। ठीक हो गया, चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दें। ये तीन स्लाइस लिए हमने ब्रेड के दरमियाने साइज के, और इसको इस तरीके से चॉपर में से चॉप कर लिया, ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास ब्रेड स्लाइस नहीं है, ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं आधा कप। ठीक हो गया। इसके अंदर कॉर्न फ्लोर जाएगा 3 टेबलस्पून भर के शामिल कर दें। इसके अंदर सब्ज धनिया शामिल कर दें, 3 टेबलस्पून बनता है ये। लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। एक अदद अंडा शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, चस्के आन गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर जाएगा ये खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, अच्छा टेस्ट लेके आएगा। रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, और ये नमक 1 टीस्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। हैं, आ गए हैं ना शॉर्ट रेसिपियाँ। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पे करने लगे हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमने मैदा ले लिया 100 ग्राम, इसके अंदर हम शामिल करेंगे पपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर शामिल करेंगे ओरिगैनो 1 टीस्पून, अजवाइन के पत्ते। ठीक हो गया। इसके अंदर शामिल करेंगे रेड चिल्ली 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। ठीक हो गया। और एक अंडे की जर्दी शामिल करेंगे, सफेदी शामिल नहीं करेंगे। हल्का सा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे ऊपर कोटिंग के लिए। ठीक हो गया। इस तरीके से इसका एक बैटर तैयार कर लें अच्छे तरीके से। अब हम डोनट तैयार कर लेंगे। कुकिंग ऑयल ले लिया, हाथों पे लगा लें अच्छे तरीके से, ताकि आलू वगैरह जो है ना आपके हाथों को ना चिपके ना लगे। इस तरीके से आप एक ले लें जितना साइज का आप बनाना चाहते हैं, ये इस तरीके से, गल समझ आ रही है। इसको फिर इस तरीके से प्रेस करेंगे हम, इस तरीके से ऐसे तसल्ली से देखते जाएं इस तरीके से। फिर इस तरह का कोई चम्मच लेके कोई भी चीज़ जो भी हो इसके अंदर होल करना है इस तरीके से। ये देखें, इधर से इस साइड से भी कर दें। ये देखें, इस तरीके के डोनट तैयार करेंगे हम सब। इस तरीके से रख दें और उठा लें। ये जी आयल हमने चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। यहाँ पे ये डोनट हमारे तैयार हो चुके हैं। एक इस तरीके से उठाएं आराम से, एक हाथ की मदद से, दूसरे हाथ की मदद से इसको इस तरीके से ऊपर से ये कोट करें। ये जो हमने तैयार किया हुआ था बैटर इसका, इस तरीके से कोई मसला नहीं है। आराम से इसको अच्छे से कोट कर दें इस तरीके से, और इसको इसमें वाइट ब्रेड क्रम्स में डाल दें इस तरीके से अच्छे से, ऐसे ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ के साथ इसमें डाल देंगे हम। फिर उठाएंगे, फिर इस तरीके से। अब फ्लेम क्या आपका? मीडियम फ्लेम पे हम इसको जो है फ्राई करेंगे इस तरीके से। इसमें डाल दें, ऊपर से वाइट ब्रेड क्रम लगा दें। बीच में अगर होल बंद हो जाए तो इस तरीके से उंगली की मदद से सुराख कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो क्या। इसमें यहाँ पर रख दें। ये लीजिए, इस तरीके से 1 से 1.5 मिनट के बाद ये कलर आ गया, चेंज कर दें।
इस तरीके से, इस तरीके से सबको चेंज कर दें साइड में। ये हो गया हमारा एक डोनट, इसको निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से सुभानअल्लाह। अब जो जो ये होते रहेंगे कलर पकड़ते जाएंगे, इस तरीके से कलर आता जाएगा, हम इनको निकालते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे लुक बने हैं। ये बाकी जो डोनट तीन रह गए हैं ये भी मैं इस तरीके से बना लूँ, इस तरीके से और इस तरीके से, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हल्का हल्का कलर ही लाना है ऊपर हमने। ये रजी अल्हम्दुलिल्लाह डोनट हमारे तैयार हो चुके हैं। पोटैटो डोनट किस तरीके से तैयार किए जाते हैं ये देखें, सुभान अल्लाह, ये देखें, ये देखें, हाँ जी कमाल, ये देखें सुभान अल्लाह। आप इसको मायोनीज के साथ लेना चाहते हैं, हैं आ रहे हैं मज़े, इस तरीके से मायोनीज के साथ इस्तेमाल करें, ये देखें इस तरीके से, ये देखें, ये देखें, टू इन वन काम कर देते। अगर आप इनको चाहते हैं कि आप इनको टमाटो केचप के साथ लेना चाहते हैं, टमाटो केचप हैं है। ये रजी अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो डोनट कितने प्यारे हैं। खूबसूरत सर्विंग का तरीका मैंने आपको बताया, पोटैटो डोनट्स किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं अफ्तारी के टाइम पे अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी ये पोटैटो डोनट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इसी तरीके से हमारी हौसला अफजाई किया करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना भी ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखा करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।